नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। हमीरपुर में किलर लेन के नाम से जाना जाने वाला नेशनल हाईवे आज फिर 3 लोगों की मौत का गवाह बना है। यहाँ फैक्ट्री एरिया में ढाबे से खाना खाकर निकले मारुति सवार 4 लोगों को एक अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है। खेतों में पड़ी यह मारुति कार हादसे का शिकार होकर यहाँ खेतों में आ गिरी है। कार सवार जैसे ही ढाबे से खाना खाकर निकले हैं, एक अनियंत्रित ट्रक ने इनको जोरदार टक्कर मारी और यह कार फुटबॉल बनकर यहाँ खेतों में आ गिरी। इस कार में जालौन के रहने वाले 3 लोग व एक हमीरपुर का रहने वाला सवार था, जिनमें से 3 लोगों की इसी कार में मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसको कानपुर रिफर कर दिया गया है। कार की हालत देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी ज़ोरदार रही होगी। हमीरपुर से होकर गुजरने वाले इस हाईवे पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इस बात को लेकर कई बार लोगों ने मांग की है कि नेशनल हाईवे पर डिवाइडर बनवाया दिया जाए। अगर डिवाइडर बन जाए तो कम से कम आमने सामने होने वाले हादसों से बचा जा सकता है, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई है और लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। थाना सुमेरपुर क्षेत्र में हाईवे पर एक मारुति कार से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे, उसमें से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को उपचार के लिए भेजा गया है और इसमें मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है।